हे गाइस, वेलकम बैक टू माय DIY चैनल। और आज का जो DIY बहुत ही स्पेशल है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मैंने बनाया है अपने घर के सबसे स्पेशल कॉर्नर के लिए, जो कि होता है ईशान कॉर्नर। जी हाँ, वास्तु के हिसाब से ईशान कॉर्नर का बहुत महत्व है, क्योंकि यहीं पे हमारे जो गोडेज लक्ष्मी हैं, जो धन के देवता कुबेर हैं, और हम सबको सुख समृद्धि देने वाले लॉर्ड गणेशा का निवास स्थान माना गया है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू वास्तु, इस कॉर्नर को हमेशा साफ, सुंदर और खुशबूदार रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और ये DIY बहुत ही ईजी, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना, ताकि आप भी अपने घर के ईशान कॉर्नर के लिए ये बना पाओ। सबसे पहले मैंने ले लिया है ये एक सकोरा, जो मिट्टी का बर्तन है। मैं बर्ड्स के लिए पहले लाई थी, लेकिन अब मैं उसको रीयूज़ कर रही हूँ। और एक PVC पाइप, जिसको मैंने फेविक्विक की मदद से इस तरह से लगा दिया है, मुझे बहुत ही स्ट्रांगली इसमें जुड़ गया है। अब मैं इसमें रेडी कर रही हूँ एक छोटा सा मिनी सा गार्डन। तो ये मैंने डाल दी इसमें गार्डन वाली मिट्टी, और अब मैं इसमें लगा रही हूँ ये मनी प्लांट्स, जो कि होते हैं बहुत ही शुभ। मनी प्लांट्स को घर में लगाना शुभ तो होता ही है, साथ ही साथ ही बहुत लो मेंटेनेंस होते हैं, तो ये परफेक्ट है हमारे इस मिनी गार्डन के लिए। तो गाइज, स्मोक फाउंटेन को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए सबसे इजी वाला लेके आया, क्योंकि ऐसे DIY का मतलब ही क्या है जो हम आसानी से घर पे बना ही ना पाए। बट इस स्मोक फाउंटेन को आप आसानी से बना भी पाएंगे, और पॉजिटिविटी भी आपके घर में हमेशा रहेगी। अब मैंने ले लिया है एक ये छोटा सा पॉट, जिसमें मैं कर रही हूँ होल। अगर आपके पास इस तरह का पॉट नहीं है, तो आप इसमें कूलर ले सकते हैं, या मिट्टी की जो छोटी सी मटकी आती है वो ले सकते हैं। और पता नहीं क्यों गाइस, मुझसे हर चीज़ टूट ही जाती है, तो ये भी मुझसे होल करने में टूट गई, लेकिन नो वरीज, मेरे पास है फेविक्विक, तो मैंने इसे क्विकली इसको चिपका दिया है। लेकिन इसमें जो ये क्रैक्स रह गई है ना, ये अच्छी नहीं लगी, और इसके कारण मुझे करना पड़ा इस पर ब्लैक एक्रिलिक कलर, वरना मुझे कलर यूज़ करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था इस DIY में, लेकिन मुझे इसके लिए करना पड़ा। और अब मैं इस एक छोटी सी मटकी ली है मिट्टी की, जिसको मैं इस तरह से मिट्टी में लगा दूंगी, और ये कुछ कर दूंगी इन स्टोन से डेकोरेट। अब ये एमसील लिया है, जो कि आता है 10 रुपीज़ का, और इसमें इस तरह से इसके दो पार्ट आते हैं, जिनको हमें से मिक्स करना पड़ता है, और उसके बाद में हम इससे ये मटकी को डेकोरेट करके इस तरह से इसमें एक फ्लावर के टाइप बना रही हूँ। तो जो सुंदर तो इसको लुक देगा ही देगा, लेकिन साथ में इसका एक और बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है, जो हमको वीडियो के बाद में पता चलेगा। तो इस तरह से ये रेडी हो गया है, और अब मैं इसी एमसील की मदद से इसको स्ट्रांगली फिट कर रही हूँ इस पाइप पे। और ये होल को हमेशा ऊपर रखना है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसी में हमारी जो है धूप बत्ती लगेगी। अब ये हमारे छोटे से लॉर्ड गणेशा को मैं इस मटकी पे बिठा रही हूँ, और थोड़ा सा गोल्डन टच दे दिया है लुक के लिए। और जो धूप बत्ती हम इसमें यूज़ करेंगे, वो होगी बैक फ्लो धूप बत्तीस, जो लोकल शॉप पे मिल जाती है। और अगर आपको लोकल शॉप पे ना मिले, तो ये अमेज़ोन पे भी इजीली अवेलेबल है। इसमें इस तरह से पीछे एक होल होता है, तो आपको यही वाली धूप बत्ती यूज़ करनी है। और बस थोड़ी ही देर में हमारा फाउंटेन हो जाएगा रेडी। तो चलिए फिर एंजॉय करते हैं इसका फाइनल लुक। सो गाइज, जैसे ये बनाने में मुझे इतना पॉजिटिव फील हुआ, और ये मेरे घर में इतनी सारी पॉजिटिविटी लेके आया है। आई होप आपके घर में भी वैसी ही पॉजिटिविटी बनेगी। और अगर मेरा ये वीडियो सही में अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और मेरे साथ यूं ही बने रहना। चलो, तो मैं तो चली इसको अपने घर के ईशान कोण में रखने। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे। बाय बाय।